जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 36, 37, 38, 39, 40 पर चर्चा करेंगे। अवाच्य वादांश्च बहुनोदिश्यन्ति तव हितः निन्दनतस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य से पीछे हटने के परिणामों के बारे में समझा रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में बहुत से अपमानजनक बातें कहेंगे और तुम्हारी समता का भी उपहास करेंगे। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए और क्या दुखदायी हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि वह एक क्षत्रिय या योद्धा के रूप में युद्ध करे और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करे। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महिम तस्मादुतिष्ठ कौन्ते युधाय कृत निश्चयः। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत गए तो धरती का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो जाओ और युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध उसके लिए दोनों ही परिणाम अच्छे हैं। यदि वह युद्ध में मारा जाता है तो एक क्षत्रिय के रूप में अपने धर्म का पालन करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय तथा युद्धाय युजस्व नैवम पापम वास्यापि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी परिणाम के चिंता के करना चाहिए, अर्थात सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार तुम पाप से मुक्त रहोगे। ऐसा तेभिहिता सांख्ये बोधिर्योगे विमाम श्रृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्राप्त है शेषी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य अर्थात ज्ञान से योग यानी कर्म की ओर ले जा रहे हैं। अर्थात अब तक मैंने तुम्हें सांख्य के बारे में बुद्धि का उपदेश दिया है, अब योग के बारे में सुनो हे पार्थ, जिसके अभ्यास से तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। नेहाभि कर्म नो श्यष्टि प्रत्यवायो न विदते सवलपमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के लाभों को बताते हुए कहते हैं, कर्म योग के मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता और न ही कोई हानि होती है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास महान भय से बचा सकता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।